हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि किस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट की एक टीम में 11 प्लेयर खेल सकते हैं। अब बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स एक टीम में खेल सकते हैं। उसी प्रकार हॉकी में भी एक टीम में 11 प्लेयर खेल सकते हैं। यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीन गेम ऐसे हैं जिसमें एक टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं एक समय में। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी खेल सकते हैं। अगला है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला है पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पोलो को हिंदी में चौगान खेलते हैं। इतिहास में एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उनकी मृत्यु चौगान खेलते समय, अर्थात यह गेम पोलो खेलते समय हो गई थी। चलिए आगे का देखें। आगे है वाटर पोलो। वाटर पोलो में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स, मैं अलग अलग स्पोर्ट्स का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ, उसके एरिया, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, मैं सारे वीडियोस आने वाले टाइम में बना के आपको सेंड कर दूंगा। आगे हम देखें तो हैंडबॉल। हैंडबॉल में एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। इसमें फुटबॉल जैसा ही रहता है, लेकिन बस पैर की जगह हाथ से गोल किया जाता है। अगला है खो खो। खो खो जो कि बहुत प्रसिद्ध खेल है भारत का कबड्डी के साथ, तो खो खो में 9 खिलाड़ी एक टीम में खेले जाते हैं। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स होते हैं। सिंगल्स में एक टीम में एक बार में एक खिलाड़ी और डबल्स में एक बार में 2 खिलाड़ी एक टीम से खेल सकते हैं। जैसे कि आप पिक में देख सकते हो, एक फोटो में सिर्फ सिंगल एक जना खेल रहा है और दूसरे पिक में 2, सामने वाले भी 2 और इस टीम में भी 2। यानी कि बैडमिंटन में सिंगल और डबल्स दोनों प्लेयर्स खेल सकते हैं। अगला है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में भी ऐसा ही है, इसमें भी सिंगल्स और डबल्स खेल सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति की टीम बन सकती है। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस भी इसी प्रकार से है। टेबल टेनिस में भी एक व्यक्ति या फिर 2 व्यक्ति, सिंगल्स या डबल्स, यानी लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये तीन खेल ऐसे हैं जिसमें सिंगल्स और डबल्स प्लेयर एक टीम में होते हैं। अगला है स्नूकर। स्नूकर, इसमें टेबल होती है जिसमें कई सारी बॉल्स होती हैं, इसे स्नूकर कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही एक बार में इसे खेल सकता है, यानी कि एक टीम में मात्र एक खिलाड़ी ही होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें शिप्रा तिरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।